एपिसोड 205 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। फिर मुलन कुछ देर के बाद एक प्लानेट में आ जाता है और बोलता है, मैं 5 एलिमेंट का गन सूंघ पा रहा हूँ तो छिपने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम छिप के भी नहीं बच पाओगे। फिर वो ज़मीन में अपने ताकत की मदद से हमला कर देता है। तभी चैन पहाड़ को तोड़ के उसके सामने आ जाता है। मुलन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किंडी के बेटे को मारे कि नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो किंडी गॉडसन बन जाता और मुझे ये कभी मौका ही नहीं मिलता, इसी वजह से मैं तुम्हें जल्दी से मार देता हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है और शॉक्ड होके बोलता है, मैं तो तुम पर हमला कर दिया हूँ और तुम तो एक नॉर्मल से नेशनल 100 लेवल के हो, क्या तुम्हारा किंडी का बॉडी लेवल अप हो गया है क्या? चैन बोलता है, तुम्हारा हथियार सही में बहुत ही बढ़िया है, ये मुझ पर हमला कर पाया है। मुलन बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च किया हूँ, स्प्रिट मुझे बोला था तुम एबेडन स्टार रिम में रहते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है लेकिन तुम बहुत ही ताकतवर हो और यहाँ तक कि तुम सनश्राइन के सन को भी मार डाले हो। चैन बोलता है, तुम ही हो ना जो मेरे लोगों को तकलीफ पहुँचाया है सोल सर्चिंग स्पेल का इस्तेमाल करके। मुलन बोलता है, मुझे वो बेकार से लोगों के बारे में बात नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा बॉडी किंडे बॉडी कैसे बन गया। चैन बोलता है, अपने काम से काम रखो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। मुलन बोलता है, अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने पुराने ओपोनेंट से कंपेयर मत करो, मैं असल में वाइड रिटर्निंग कल्टिवेटर हूँ, तुम्हें मारने से पहले मुझे ये सच्चाई जानना है, बस इतना ही है। लगता है कि तुम बताने नहीं चाहते हो, अब मुझे सोल सर्चिंग स्पेल का इस्तेमाल करना ही होगा और लगता है कि फिर से मुझे किसी का डेली काम देखना ही पड़ेगा। मैं अपना ताकत को कंट्रोल करके तुम्हें मार डालूंगा जिससे तुम्हारे स्पिरिट को कुछ नहीं होगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, सही में तुम्हें लग रहा है ये हमले से मैं मर जाऊंगा? फिर वो हमला करके उसके हमले को तबाह कर देता है। मुलन बोलता है, तुम मेरा रिटर्निंग वाइट सोड अटैक का हमला कैसे झेल पाए? तुम्हें ये हथियार कहाँ से मिला है और ये ओड़ा तुम्हारे आसपास क्या है? क्या ये इमॉर्टल का ओड़ा है? चैन बोलता है, क्या तुम एबेंडन स्टार रिम में गए नहीं हो क्या? मुलन बोलता है, ओह मुझे पता चल गया, तुम्हारा लेवल बढ़ गया एबेंडन स्टार रिम में। नाइंग इमॉर्टल सेक्टर इसके लिए सदियों से प्लान बना रहे थे और ये तुम्हें आसानी से मिल गया। अगर मैं तुम्हें मार डाला फिर मुझे ये होली सन का टाइटल के लिए लड़ना नहीं होगा। नैसे और डिवाइन लेवल से कंपेयर करूँ तुम्हारा लेवल तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि तुम एक वाइड रिटर्निंग से लड़ रहे हो। फिर वो अपने लाइफ और डेट के ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। फिर चैन अपना फ्लाइंग इमॉर्टल से उस पर हमला कर देता है जिसे उसके सर में बहुत ही ज़ोर से लगता है। मुलन बोलता है, तुम मुझ पर हमला किए हो इसके लिए तुम बहुत ही पछताओगे, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा आत्मा को एब्जॉर्ब कर लूँगा और पूरी दुनिया को तुम्हारा बेकार सा कहानी सुनाऊँगा। शायद मैं तुम्हारे नाम पर एक किताब भी लिख दूँ, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तुम मेरे सोल पर कैसे हमला कर सकते हो? तुम 5 एलिमेंट के सोल को एब्जॉर्ब कर लिए, इतना जल्दी एब्जॉर्ब करना ये तो नामुमकिन वाला बात है। चैन बोलता है, मुझे एक अच्छा समय मिल गया था, उस समय मैं अपना लेवल बढ़ा लिया हूँ और आज मैं डिवाइन बन जाऊँगा। तभी उसके चारों ओर ऑरा बढ़ने लगता है, कुछ देर के बाद वो फट जाता है। मुलन बोलता है, ये तो नामुमकिन है, मैं कैसे डर सकता हूँ, वो भी एक नेचुरल सोल लेवल से, ये तो अभी डिवाइन लेवल में पहुँचा ही है और मैं तो अभी वाइड रिटर्निंग कल्टिवेटर हूँ, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, मैं इसे अभी ख़त्म करूँगा क्योंकि ये अभी दूसरे लेवल में पहुँचने ही वाला है। चैन उसके हमले को आराम से तोड़ देता है, बोलता है, ओ तुम्हारे पास क्या इतनी ही ताकत है क्या? अब मेरा ये नया हमला का स्वाद चखो, इसका नाम है 6 इन स्काई सीलिंग पंच। फिर वो अपनी स्काई स्टीलिंग से उस पर हमला कर देता है। मुलन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सही में तुमसे डरता हूँ क्या? फिर वो अपना हमला उस पर कर देता है और बोलता है, मैं वाइड रिटर्निंग कल्टिवेटर हूँ, मैं इस पर अपना पूरा हमला किया हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इसे ब्लॉक कर पाएगा। लेकिन चैन का हमला आराम से उसके हमले को फाड़ कर उसकी ओर जाने लगता है। मुलन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, नहीं ये तो नामुमकिन है। फिर वो चैन के हमले से जल के वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, अब मैं सोल फॉर्मेशन के करीब हूँ, मेरा कंसियसनेस डिवाइन लेवल में आ गया है, यूनिवर्स एलिमेंट एनर्जी का फ्लो सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है और ये बहुत ही क्लियर होते जा रहा है, अब मैं क्वांग के बारे में और भी पता कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, डिवाइन सोल मुझे रास्ता दिखाओ कहाँ पर क्वांग है। फिर हमें क्वांग को दिखाया जाता है, वो एक जगह बैठी होती है और बोलती है, ये फीलिंग मुझे फिर से हो रहा है, ये क्या है, इसे मुझे कुछ एहसास क्यों हो रहा है, इसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ। रुको, ये तो वही जेड है ना जो मुझे चैन दिया था। चैन, क्या ये तुम हो? तुम मुझे खोजने के लिए यहाँ पर आ गए? तभी वो जेड वहीं से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, बोलता है, हे क्वांग क्या हो गया, मुझे तुम्हारा रोने का आवाज़ आया। क्वांग बोलती, कुछ नहीं, और मैं तुम्हें एक बार और बता देती हूँ, आने से पहले नॉक किया करो। क्वांग बोलता है, इमॉर्टल सेक्टर का मीटिंग के बाद
जब हम लोग सेक्टर में वापस जाएंगे तो हमारा शादी हो जाएगा, और तुम मुझसे ऐसा बात क्यों कर रही हो? क्वांग बोलती है, हे हन, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किससे शादी करना है। अगर तुम इमोर्टल कैंग और बाकी के सभी एल्डर को मना भी लोगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पहले तुम्हें मना कर दी हूँ, इसका मतलब नहीं होता है, समझे? तभी हैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सही में तुम्हें पता नहीं इसके बारे में। एवेंडन स्टार रिम से कोई शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो लोग कचरे होते हैं। तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। चिंता मत करो, तुम किसी भी हालत में मेरे प्यार में पड़ ही जाओगी। क्वांग अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलती है, वो ऐसा बात है, फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं भी एबेंडन स्टार रिम से हूँ। तो अच्छा होगा कि तुम मेरे जैसे कचरे से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा प्राइड ऐसे ही बकवास हो जाएगा। तभी हैन चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे क्वांग। क्वांग अपना तलवार निकाल लेती है और बोलती है, अब बस करो और यहाँ से निकल जाओ। हैन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा परवाह कर रहा हूँ। दूसरी तरफ क्वांग बोलती है, हे चैन, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी तरफ चैन जेट को देख कर बोलता है, हैन, पिछले जन्म में यही क्वान को मारा था और ये इस जन्म में इसे पाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये इसके लिए पछताएगा। फिर हैन क्वान के कमरे से बाहर आ जाता है। तभी एक आदमी बोलता है, हे हैन, तुम्हारे चेहरे में 12 क्यों बजे हुए हैं? तभी हैंग बोलता है, हे फैन, तुम अपने सेक्टर में वापस चले जाओ, यहाँ पर आकर मुझे बार बार परेशान मत करो। फैन बोलता है, जैसे तुम लड़की के पीछे पड़े हो ना, वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तुम क्वांग को और भी ज़्यादा चीज़ दिखाओ जिससे वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। हैन बोलता है, मैं उसे जड़ी बूटी, पत्थर, स्पिरिचुअल पिल और स्पिरिचुअल बीस भी दिखाया था, अगर वो बोले कि उसे वो चाहिए तो मैं वहाँ के सेक्टर को मार के सब कुछ ला दूंगा, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं है, उसका दिल एबेंडन स्टार रिम के एक कमीने पर आ गया है। फैन बोलता है, कैसा रहेगा कि जो तुम कर रहे हो उसे बदल के कुछ और करो? फैन बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सब कुछ पहले ही ट्राई किया हूँ, उसका कोई भी इमोशन ही नहीं है, उसका दिल सही में बहुत ही ज़्यादा सख्त है। फैन बोलता है, क्वांग तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं, तुम्हारे जो ताकत है उससे कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो सकता है। हैन बोलता है, क्वांग एक अपॉर्चुनिटी है टू मार्शल आर्ट इमॉर्टल सेक्टर का, जिसके लिए मैं 10,000 साल से इंतज़ार कर रहा था। वो एबेंडन स्टार रिम से है और उसे चुना गया है, पूरे स्टार रिम में उसका टैलेंट टॉप में है, और अभी वो वापस इमॉर्टल सेक्टर में आ गई है और उसे इनाम के तौर पर जानजी का टाइटल मिला गया है। उसका जो स्टेटस है वो आगे चलकर वाइस सेक्टर मास्टर बनेगी। उसके पास टैलेंट, क्वालिफिकेशन, पोटेंशियल सब कुछ है, ये एकदम काबिल है मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए। अगर मैं किसी तरह क्वांग को हासिल कर लूँ तो मुझे इमॉर्टल कैंग की तरह कल्टीवेटर से मदद मिल सकता है, और मैं आराम से सेक्टर मास्टर के पोजीशन के लिए 10,000 साल तक लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही वाइस सेक्टर मास्टर को कब्जे में कर लूँगा। फैन बोलता है, बच्चे पैदा करना, ताकत को हासिल करना, यही तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत ही पसंद आता है।